आज से मार्च का महीना शुरू हो गया है और इस महीने कई वित्तीय नियमों की डेडलाइन के साथ कई नियमों में बदलाव हुए हैं। इन बदलाव का असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं आज से कौन से नियम बदल गए हैं। महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। आज कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 25 रुपए 50 पैसे की तेजी आई है। नए दाम आज से लागू हो गए हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 903 रुपए। आरबीआई ने मार्च महीने के बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी कर दी। इस महीने शिवरात्रि, होली, गुड फ्राइडे जैसे कई अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा रविवार और दूसरा और चौथा शनिवार को भी बैंक बंद रहेगा। हालांकि बैंक बंद होने के बावजूद कस्टमर को ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज मिलती रहेंगी। 1 मार्च 2024 से जिन बिजनेसमैन को 5 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर आता है उन्हें भी B2B ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइस डिटेल देनी होगी। अगर वो जानकारी नहीं देते हैं तो वो ई वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था यानी GST के अनुसार 50,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के माल पर ई वे बिल की जरूरत होती है। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को बैन करने का निर्देश दिया। इस पर लगने वाले प्रतिबंध की समय सीमा 15 मार्च हो गई है। ऐसे में RBI ने सलाह दी है कि कस्टमर को 15 मार्च से पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मौजूद राशि को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने फास्टैग KYC को अनिवार्य कर दिया है। इसकी समय सीमा 29 फरवरी 2024 थी। अगर फास्टैग KYC अपडेट नहीं होता है तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। कई लोगों को उम्मीद है कि फास्टैग KYC अपडेट की तारीख आगे बढ़ सकती है, पर अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। 1 मार्च से सोशल मीडिया के नियम भी बदल गए हैं। भारत सरकार ने IT नियमों को बदल दिया है। नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे X, Facebook, YouTube और Instagram पर गलत फैक्ट या फिर गलत खबर डालता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उसे भारी जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है।